साइज 3.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है बेटा कि फाइंड द रेडियन मेजर क्रॉसपोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो बेटा हमें किस में दिए गए हैं, है ना, ये डिग्री में दिए गए हैं और हमें कह रहे हैं फाइंड द रेडियन, यानी फाइंड द रेडियन, हमें रेडियन में निकालना है इनको, साफ दिख रहा है डिग्री में दे रखे हैं। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का अगर हम फर्स्ट पार्ट करें तो प्यारे बच्चों क्या तरीका है, 25 डिग्री, ये 25 डिग्री हमारे पास है, ठीक है, कोई नहीं। अब 25 डिग्री है ना, अब कैसे करोगे इसको, देखो सर डिग्री में है, किस में निकालना है, रेडियन में। तो आप बेटा अभी अब बताया था आपको कि सर आपको बताया था कि बेटा फॉर्मूला क्या है, अगर रेडियन मेजर में निकालना है, है ना, तो क्या करेंगे, रेडियन मेजर अगर रेडियन में निकालना है ना, तो रेडियन ऊपर और डिग्री नीचे और इंटू में ये इंटू में डिग्री मेजर। तो सर कैसे निकाल लो भाई, रेडियन मेजर बराबर है ना पाई अपॉन में 180 डिग्री और डिग्री क्या तरीका है 25 है ना, तो सर कितना आएगा बेटा, है ना, जो भी आपका रेडियन में आएगा ना, 5 पर कितनी बार जाएगा 36, पॉइंट में नहीं लिखना, और कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा ना, है ना, 5 को डिवाइड 5 बार, 5 को डिवाइड 36 बार, तो जाएगा 5 पाई अपॉन में 36, ये रेडियन इतना क्या आ जाएगा रेडियन बस। अरे करना क्या था, अरे भाई दिनेश क्या दे रखा था हमें, एक दिनेश वो भी ना कपिल शर्मा वाला है ना, अरे हमें करना क्या है, ये डिग्री में था, अब रेडियन में निकालना है, तो रेडियन ऊपर रखो डिग्री नीचे रखो और जो जो सामने डिग्री दे रखी है उस समय ट्राई कर दो, खत्म है सवाल, हो गया, यही आंसर है भाई, इतना ही आंसर है। अच्छा सर अब ये बताओ जरा, अब सेकंड वाला बताओ, एक बार सेकंड वाला बताओ बेटा, सेकंड वाला क्या तरीका है, -47 डिग्री और 30 सेकंड है वो, मिनट 30 मिनट है वो, तो सुनो एक्चुअली क्या है, देखो सुनो, ये है डिग्री में और ये है मिनट में, तो एक्चुअल में क्या है ना, मामला क्या है बेटा, इसको सीधे मल्टीप्लाई मत कर देना पाई अपॉन 180 से, अरे कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा, ये एंगल नेगेटिव का एंगल दे रखा है, क्यों एंगल नेगेटिव हो सकता है, जाहिर सी बात है लटवाल भाई, क्योंकि इस बंदे को पहले तोड़ रखा है डिग्री और मिनट में, तो पहले इसको पूरा डिग्री बनाओ तब जाके चेंज करेंगे रेडियन में। तो सर कैसे करना है, तो प्यारे बच्चों होता क्या है, ये ना इस माइनस को बाहर लेकर चलो आप अलग से, ठीक है, चलो ये 47 है बेटा, होता क्या है ना, आप इनके बीच में ना मामला क्या होता है, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना, जैसे जो हमारा फाइनल आंसर आता है तो उसमें प्लस नहीं होता, तो कादे से इनमें प्लस का साइन है, मतलब सर आप क्या कहना क्या चाह रहे हो, देखो बेटा जैसे मेरे पास है बेटा 63 मिनट, ठीक है जी, अच्छा अब अगर मैं इस चैप्टर को छोड़ दूं, नॉर्मल लाइफ की बात करूं, घड़ी की बात करूं, तो सर 63 मिनट का मतलब एक घंटा, मतलब 60 मिनट प्लस 3 मिनट, ये इसका मतलब होगा, अबे 60 मिनट में क्या जोड़ दो, 3 मिनट जोड़ दो, ठीक है सर, 60 मिनट मतलब एक घंटा, डिग्री आप फिलहाल डिग्री वगैरह छोड़ दो, 60 मिनट मतलब एक घंटा, ठीक है सर, और 3 मिनट क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, तो मैं बीच में लास्ट में जब मुझे आंसर लिखना हो ना, मैं प्लस को हटा सकता हूँ, मतलब इसका मतलब एक घंटा 3 मिनट। अच्छा समझो बाबू, हमें ना क्वेश्चन पहले ऐसे ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा दे रखा है, अब मुझे इसको पहले चेंज करके पहले घंटे में लाना है, तो इनके बीच में प्लस का साइन ऑलरेडी होता है, है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, ये पहले 47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है सर, एक काम करो यहाँ लगा दो प्लस। अच्छा अब थोड़ी सी बेटा कुछ ना थोड़ी बेसिक चीज़ें आ गई है, बेसिक बातें क्या आ गई बेटा, जैसे
मैं जो मैंने अभी आपको अभी बताई थी कि सर थोड़ी थोड़ी बहुत आपकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए बेटा, मतलब थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। जैसे सर जो अभी बताया था मैंने आपको कि सर एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक मिनट बराबर 60 सेकंड है ना। और इससे हालांकि डिग्री और सेकंड का रिलेशन बहुत ही कम आता है सवालों में, मतलब यूज नहीं करेंगे हम, ना के बराबर करेंगे। तो एक डिग्री बराबर 3600 सेकंड, ठीक है, कोई नहीं, आप अपनी मैथ मत लगाइए वाले, ठीक है, ये हो गया। अब सर ये क्या है सर, बेटा इन दोनों को पहले डिग्री बनाओ, ये मिनट है, तो इस मिनट को डिग्री में बनाने के लिए, प्यारे बच्चों ये मिनट क्या है, ये छोटा और इसके बना, इसको बनाना है बड़ा। बट कभी भी आप एक चीज़ देख लो, अगर कभी भी छोटी चीज़ को चेंज करना हो बड़े में, तो बेटा डिवाइड किया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास था मान लो दो घंटा है, तो मैंने पूछा बेटा ये बताओ 2 घंटे को चेंज करना है मिनट में। तो देखो बेटा, घंटा होता है बड़ा, आवर बड़ा होता है, और मिनट क्या होता है, छोटा। तो क्योंकि मुझे पता है एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो अगर मुझे इस आवर को चेंज करना है मिनट में, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से, तो 120 मिनट। आवर आर बड़ा होता है, मिनट छोटा, तो बड़े को छोटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। और अगर इसका उल्टा होता बच्चों, अगर ये मान लो 180 मिनट होता और चेंज किस्म करना आवर में, तो मिनट क्या होता है, छोटा, और आर क्या होता है, बड़ा। तो छोटे को बड़े में चेंज करने के लिए डिवाइड किया जाता है, तो 180 को डिवाइड करते 60 से, यानी 3 घंटे। तो देखो बेटा ये मिनट था, और किस में चेंज किया था, आर में, तो किससे डिवाइड किया, 60 से। तो छोटी चीज को बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 मिनट है, तो इसको डिवाइड किस में करना है, डिग्री में, तो 60 से डिवाइड करो बेटा, ये जो भी आएगा ना इतना है, ये डिग्री में आएगा, ठीक है सर। प्यारे बच्चों 47 और 0 0 0 कैंसिल, 1/2, ठीक है। अच्छा अब मैं, चलो ये भी डिग्री आ गया है ना, ठीक है। प्यारे बच्चों अब थोड़ी बहुत मैथ आती है आपको, अब अगर इन दोनों को जोड़ें है ना, ऐड करना आता, जिसको नहीं आता भाई देख लो कि भाई अब इनको ऐड कैसे करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 40 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया, जिनको एलसीएम लेना आता है एलसीएम ले लो भाई, कितना आता है 94, 1 into 1 1। तो जो ओवरऑल में यहाँ ये दिख रहा नीचे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 95 अपॉन में 2 डिग्री, ये कितना आया मेरा, ये डिग्री आ चुका है। ये किस में आया सर, ये आया डिग्री में, अब ये पूरा डिग्री में आ चुका है। अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है इसको, अरे कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो सर डिग्री को, ये मेरे पास था माइनस का 95 अपॉन में 2 डिग्री, और आपको बताया था कि अगर डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो रेडियन ऊपर आएगा, मतलब पाई ऊपर और 180 डिग्री नीचे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कितनी बार इसका, 2 बार जाएगा इसका है ना, कितनी बार, 2 बार जाएगा ना, कैंसिल होगा ये 2 5 10 2 9 जा, तो क्या करना पड़ेगा, 18 से 5 से कैंसिल होगा ना, किससे, 5 से कितनी बार, 36 बार, और 5 से कितनी बार होगा, 19 बन जाए ना, 19 बार, ठीक है जी। तो अब कैंसिल होगा नहीं, तो माइनस आ जाएगा 19 पाई, और कितना आएगा ये 72 72, तो ये इतना, ये क्या आ गया, इतना रेडियन ये आ गया सर हमारा। बोलिए है ना, बोलिए भाई। बेटा जो इसके ना बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और कौन सा 4th, वो तो आप लगा लो, वो सिंपल करना है, उसको सीधा पाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो। प्रश्न संख्या 2 देखिए बेटा,
इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द डिग्री, हमें इसको डिग्री में चेंज करना है और मेजर कोरस्पोंडिंग टू द वगैरह। और ध्यान दो इसमें कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर आप पाई का यूज कर सकते हो। अरे और एक जगह ध्यान देना, यहाँ पर पहले पाई की वैल्यू मत डाल देना, कि पाई की वैल्यू डाल दोगे तो फिर वो, क्योंकि डिग्री मेजर की, सॉरी रेडियन मेजर की खासियत है कि वो आंसर पाई में आता है। तो क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर टू है वहाँ पर हमें आंसर को किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है, तो डिग्री वाले क्वेश्चन में से पाई हटाना पड़ता है ना। तो सर कहना क्या चाहते हो, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका पहला वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, 11/16। अब बेटा किस में चेंज करना है इसको, डिग्री में चेंज करना है ना, किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है डिग्री में। तो आपको एक सुंदर सा सूत्र बताया गया था बेटा, कि अगर हमें डिग्री में निकालना है, डिग्री मेजर बराबर है ना सर, डिग्री में निकालना है तो डिग्री को ऊपर रखो और पाई को नीचे। डिग्री में निकालना है ना, तो डिग्री ऊपर पाई नीचे, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मतलब रेडियन से है ना, रेडियन मेजर, ठीक है सर। तो सर डिग्री में निकालना है, ठीक है सर, 180 डिग्री अपॉन में पाई, और रेडियन कितना है, 11/16। अब प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान दो, क्योंकि आप आंसर डिग्री में निकाल रहे हो तो पाई को हटाना है यहां से, यहां पर रेडियन में निकाल रहे थे तो पाई तो आना ही चाहिए, यहां हम डिग्री में निकाल रहे हो तो डिग्री हटाओ। तो सर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, 180 डिग्री अपोन में, भाई पाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, 22/7, ठीक है ना, इंटू में 11/6, ठीक है, 11/16 है, अच्छा सॉरी यार नीचा के 6 हो गया था, 16 कहिए नीचा के भी 6 भी गायब हो जाए यहाँ पे, हाँ चलो मैं चेक कर रहा तुम्हारा ध्यान है कि नहीं यहाँ पे। अच्छा आपने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी भाई स्टार्टिंग में, तो आपको पता है बेटा कि हम 22/7 का 180 में डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवाइडेड बाय 22/7, ये तो इंटू में ही चल रहा है, ठीक है। और आपने सर मैथ में ये भी पढ़ा है कि अगर डिवाइड को हटाना है तो इसके जगह क्या लगाना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो और उल्टा कर दो, 7/22 और 11/16, सर कर दो 11 + 11 और 11 × 22, ठीक है सर। और सर 2 से कितनी बार कटेगा, 2 × 1 = 2, कितनी बार कटेगा, 90 बार, ठीक है। और अभी 2 से और कैंसिल करो, 2 = 8 बार और 2 का कितनी बार, 45, तो 45 डिग्री इंटू में 7 अपॉन में 8, बेटा 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28, और कितना, 315, सुनो 315 अपॉन में 8 डिग्री। देखो प्यारे बच्चों से सुनो, अभी आंसर नहीं आया, मामला क्या, देखो बेटा तो बेटा अगर ना, अगर नीचे 8 नहीं आता तो मैं सिंपल लिख देता कि यार 315 डिग्री, पर क्योंकि ये सवाल ना थोड़ा फ्रैक्शन में आ रहा है तो हमें पता है ना डिग्री को तोड़ सकते हैं मिनट में और मिनट को भी सेकंड में, तो बेटा ये डिग्री में आया है तो डिग्री को अभी और तोड़ो। तो सर कहना क्या चाह रहे हो, देखो बेटा एक काम करो, पहले 8 का डिवाइड ना आप 315 बदो है ना, किस में, 315 में, एक बार 315 में किसका डिवाइड देंगे, 8 का, सर कितना जाएगा, 8 क्या, 8 × 24 = 24, बट कितना बचे गए, कितना बचेगा, 7 और 8 × 9 = 72, कितना बचा, 3। अच्छा सर बट थोड़ी बहुत ना आपकी इसके थोड़ा बहुत मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए है ना, और इतना ठीक है, ये है दिख, ये दिख रहा बेटा है, आधा ना इधर, ये है ना,
ठीक, कोई इधर ले आएंगे नीचे में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक काम करो बेटा, सर आप कहना क्या चाह रहे हो? देखो बेटा, अगर आप 8 का डिवाइड 315 डिग्री में दोगे तो सर आप क्या करोगे? एक काम करो, देखो बेटा कितनी बार गया बेटा, अरे ये डिग्री में था ना, तो 8 के डिवाइड 315 में दिया, कितनी बार गया? 39 में गया, तो 39 डिग्री को तो लिखो ही लिखो, ये तो आपको लिखना ही है, प्लस क्या रिमाइंडर बचा? 3 बचा, तो 3/8 क्या सर? 3/8 सर क्या आ जाएगा? ये डिग्री क्या आएगा? ये डिग्री, ये इतना डिग्री आया है सर, समझे नहीं? अरे बेटा जरा एक चीज देखो, मान के चलो बाय द वे कि जैसे ये आपका पास जैसे क्या था, मिक्स फ्रैक्शन था ना, देखो अगर ये समझ नहीं आया ना तो एक काम करो, देखो ये नहीं आया ना, एक काम करो, देखो 39 + 3/8 को एक बार ऐड करना, ऐड करोगे ना तो 8 बन जा 8, और ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना 8 × 9 = 72 और 8 × 3 = 24, सर कितना कितना हो जाएगा? 312 + 3, अरे जब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो दोबारा क्या आ जाएगा आपका? 315/8 ही आ जाएगा। तो सर आपने क्या किया, मैंने 8 के डिवाइड 315 में दोगे तो 39 बार जाएगा, ठीक है सर, वो अलग, ये आगे एकदम साबुत, ठीक है। क्या रिमाइंडर बचा? ये बचा सर रिमाइंडर अपॉन में, ये आपको जो डिवाइडर था ये आ गया। प्यारे बच्चों 39 डिग्री तो आपका आया आया, चलती क्लास हम शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 39 डिग्री तो, अरे ये तो आपका सर आया आया सर, इस ये डिग्री था, ये जो आधा टुकड़ा बच गया बेटा इसको किसमें चेंज करो? किसमें? मिनट में यार, किसमें? मिनट में। देखो बेटा मैंने आपको शुरुआत में कहा था, अगर मेरे पास मेरा आंसर 1000 डिग्री भी आता ना तो ठीक था, एकदम साबुत नंबर था, आंसर इंटीजर में आ रहा था, पर ये तो आ गया, पर सर ये रह गया। अब सर करना क्या है? सर इस डिग्री को चेंज करो मिनट में। तो सर बेटा सर इतना तो पता है कि डिग्री को चेंज करना है मिनट में। अब सर डिग्री और मिनट के बीच जो रिलेशन होता है ना सर, वो 60 का होता है, ठीक है, पर सब कन्फ्यूज हम इस बात में हो जाते हैं कि सर इसको मल्टीप्लाई करना है 60 से या डिवाइड। तो आपको एक चीज़ बताया था बेटा, डिग्री है बड़ा और मिनट है छोटा, तो बड़े को छोटे में करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 3/8 को चेंज करना है किस में? मिनट में। तो बेटे किस से मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से, तो ये क्या आ जाएगा? मिनट, ठीक है। अब बेटा बेटा दोनों किसका डिवाइड जा रहा है? 4 का, 4 × 2 = 8 और 15 × 4 ये तो आएगा है ना, कितना हुआ सर? 39 डिग्री प्लस 15 × 45 45/2 ये क्या आया है? मिनट। क्या ये मिनट एकदम इंटीजर में आया है क्या? अभी क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में। इसको तोड़ो। सर कैसे तोड़े यार? अगर आपको सिंपल डिवाइड करना आता है तो ठीक है, ये तो नहीं आता तो गो भाई 2 को डिवाइड 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 को डिवाइड 5 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना बचा? आधा ना, तो जो बचेगा ना ये तो इतना तो आ जाएगा मिनट, और जो बचेगा वो भी मिनट में ही है अभी। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसको, ये जो आया ना ये भी किसमें? अभी अबे एक मैं 2 क्यों लगाया भाई, मिनट है ना, ये सेकंड क्यों लगाया? मिनट है ये, सर भैया समझे नहीं है। अरे भाई एक काम करना, ले भाई 45 में डिवाइड करेगा 2 को 2 × 4 कितना बचेगा? 5, और 2 × 4 कितना बचेगा? 1। तो एकदम साबुत तो आ गया, 22 तो आ गया, प्लस जो आया ना 2 × 1/2 है ना। नहीं तो बेटा आप इसको दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, ठीक है सर। अभी ये टूटा है तो अभी ये देखो, ये था ये 49 डिग्री था, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको, यानी ये डिग्री था, ठीक है, तो सर ये पूरा मिनट है। हाँ मिनट तो है, पर ये एकदम पूरा पूरा मिनट, एक साबुत मिनट है ये, इसको अलग कर दो आप। ये 22 मिनट, एक बाय दो क्या है? ये भी अभी मिनट ही है, ये भी अभी मिनट ही है, पर देखो ये पूरा एकदम ये 39 डिग्री है,
एट 22 मिनट। ये है तो मिनट, पर ये इंटीजर में है, तो सर क्या करना है? प्यारे बच्चों, ये 1/2 है मिनट में, और मिनट को किस में चेंज करना है? सेकंड में। तो सर मिनट और सेकंड के बीच रिलेशन होता है किसका? 60 का। तो बड़े को छोटे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब सर 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 को किससे गुणा कर देंगे? 60 से। अब बन जाएगा ये सेकंड, उत्तरी का 39 मिनट 22 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 23 सेकंड। तो लास्ट में आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, बिना प्लस का लिख सकते हो ना, डिग्री मिनट और ये 30 सेकंड। ठीक है सर, ये पहला सवाल था कि ये वाला? हाँ, तो इसमें आपको समय लग सकता है, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं, है ना बेटे। क्वेश्चन टू अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन टू का एक बार आप एक इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे बेटे, कितना है? -4। तो डिग्री में आई क्योंकि ना किस में? रेडियन में ना, रेडियन में आई। तो बेटे किस में कन्वर्ट करना है इसको? डिग्री में। तो सर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बेटे? इसको आप किस में ट्राई करोगे? 180 अपॉन में पाई से। ठीक है, अच्छा, -4 इंटू 180 डिग्री, अब पूरे में आप डिवाइड कर रहे हो 22/7 से, उन्होंने बोला हुआ है पाई की जगह आप रख सकते हो। -4 इंटू बेटा 22/7, इस बार मैं सीधा कर रहा हूँ, अगर 22/7 इसके साथ डिवाइड में है तो उल्टा ऊपर जाकर ऐसा हो जाएगा, अपॉन में 7 नीचे जाकर 22, है ना, ये हो गया बेटा हमारा। और सर अगर आप इसको बेटा 2 से कैंसिल करें कितना आएगा? ये 2 जा और कितनी बार? 11 बार। आप बेटे ये बहुत बड़ा होने वाला है, है ना, ये बहुत बड़ा होने वाला है आपका, यानी कि करो भाई इसको कितना, 18 दो ना 36, और 36 इंटू 7 सात छक्का 42, और 7 है 21, और 3 नहीं 21 4 25, ये होगा ना 252 आएगा ना भाई, देख लो माइनस का 252 0 अपॉन में 11, बाप रे बाप इतना। ठीक है भाई, अब ये है, अब इसको डिवाइड करो भाई किसका, यहाँ साइड में कर लेते हैं, 2520 में किसका डिवाइड करेंगे? 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 3, 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 10, 11 नम्मा 99 1, यानी ये जब चेंज करोगे ना बेटा, माइनस बाहर रखना, ये जो आएगा ना 200 नहीं साबुत एकदम आएगा 299 डिग्री प्लस 1 अपॉन में 11, 1 अपॉन में 11 डिग्री, ये भी डिग्री में भी है ना, ये इतना डिग्री में भी। ठीक है, अच्छा अब डिग्री में चेंज किस में करना है? मिनट में। तो बेटे किस में ट्राई करेंगे इसको? 60 से ट्राई कर देंगे ना, तो ये जब इसको 60 से ट्राई करोगे आप, 60 से जब इसको आप 60 से ट्राई करोगे तो कितना हो जाएगा? 60, तो 60 अपॉन में 11 मिनट, ये इतना मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो है ना, तो आप जब 11 का डिवाइड किस में करोगे आप? 60 में, है ना, तो सर 11 5 जब 55 कितना बचेगा? 5, तो यानी ये 5 जो आया ना आपका, है ना, यानी 229 डिग्री। ठीक है, 5 मिनट आया एकदम, एक डंडा आएगा ना मिनट में यार, तो 5 मिनट एकदम साबुत है, 5 मिनट तो साबुत है, पर जो ये 5 अपॉन 11 है ना, 11 का डिवाइड 5 में ना, तो जो 5 अपॉन 11 है ये भी मिनट ही है, ये भी क्या है? मिनट ही है, पर ये पूरा पूरा नहीं है, है ना, अब 11 का डिवाइड, अब 5/11 है, ये मिनट है, अब कितने चेंज करना है इसको? सेकंड में, तो 5/11 को सेकंड में चेंज करने के 60 से गुणा करो, तो बेटे क्या हो जाएगा? 6×5=30, अब ना 300 होगा ना, 3/11, तो जब ये 3/11 हो जाएगा ना, जब इसको आप 60 से गुणा करोगे 3/11 हो जाएगा, तो लास्ट में सेकंड पॉइंट में आ सकता है, तो 300 में 11 का डिवाइड करोगे सर, 11 दूनी 22,
कितना बचेगा? 8 11 17 77 कितना बचेगा? 3। यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0, 11 दूनी 22। अब जाएगा नहीं है तो अप्रोक्स लिख देना, मतलब यहाँ लास्ट में हम लिख देते हैं सर माइनस का चलता रहेगा ये, है ना, माइनस बाहर दिखा रहा है, ठीक है, 239 डिग्री, ठीक है, 5 मिनट, ठीक है। और ये जो आया ना, ये अप्रोक्स में आया 27.5 ना, 27.2 इतना सेकेंड, क्या लिख दो अप्रोक्स, क्या लिख दो आप अप्रोक्स? बोलिए सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने पॉइंट लिया ना, एक मिनट इसका ना, ना थर्ड पार्ट के बेटा पाई भाई, ये ना 5 पाई भाई 3 है 6 3 है 3 है 3 5 पाई भाई 3 है, ठीक है जी। आप किस में चेंज करना है इसको? डिग्री में, तो डिग्री ऊपर और पाई नीचे, है ना, इससे ये कैंसिल, 3 कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 पंजा 30, सिंपल आ गया 300 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो कल करेंगे, ठीक है, इतना ही।